हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह के रहमो करम से आप सब खैरियत से होंगे। हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पिज़्ज़ा की रेसिपी, लेकिन ये नॉर्मल पिज़्ज़ा नहीं है। आज मैं आपके साथ पास्ता पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी बगैर ओवन के। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट दिखाती हूँ। ये चॉप किए हुए कैप्सिकम लिया है, टोमेटो, बॉयल कॉर्न, ऑलिव्स, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, पास्ता सॉस या पिज़्ज़ा सॉस, मोज़रेला चीज़। और ये मैंने बॉयल पास्ता लिए हैं, आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं। पिज़्ज़ा ट्रे को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। उसके ऊपर जो बॉयल किया हुआ पास्ता है वो इस तरह से एक लेयर में बिछा देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने चिकन पिज़्ज़ा और बारबेक्यू पिज़्ज़ा की रेसिपी भी अपलोड करी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये सारा पास्ता इस तरह से इसके ऊपर बिछा के फिर उसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि एक लेवल में आ जाए। उसके ऊपर से एक लेयर चीज़ की डालूंगी, हल्की चीज़ रखी है क्योंकि ऊपर से और डालेंगे। उसके बाद पास्ता या पिज़्ज़ा सॉस जो आपके पास अवेलेबल हो उसको ऐड कर देंगे। अगर पास्ता पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं, मायोनीज भी यूज़ कर सकते हैं, उसको इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा सा टोमेटो, उसके बाद कैप्सिकम, थोड़े से कॉर्न, ऑलिव्स, आपको जो मर्जी आए वो आप टॉपिंग ऐड कर सकते हैं इसमें। आप इसको नॉनवेज बनाना चाहते हैं तो इसमें आप चिकन पीसेस भी डाल सकते हैं। सबसे ऊपर एक चीज़ की लेयर, उसके ऊपर चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो स्प्रिंकल कर देंगे और ये पास्ता पिज़्ज़ा हमारा कुकिंग के लिए रेडी हो गया। अब आप चाहें तो इसको ओवन में बेक कर सकते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे। आप जितनी देर ये चीज़ मेल्ट नहीं होती है, 15-20 मिनट लगेंगे, आप इसे वहाँ पे बना सकते हैं। या फिर आज मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ, आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। कोई भी कढ़ाई को पहले हीट कर लेंगे, फिर उसमें थोड़ा नमक डाल देंगे। नमक के बाद ये पिज़्ज़ा ट्रे इसके ऊपर रख देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर एक स्टैंड रख के उसके ऊपर ये ट्रे रख सकते हैं। इसको कवर कर देंगे और जब तक कि हम कुक करेंगे, जब तक हमारी ये चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती है। ये देखिए, ये चीज़ हमारी मेल्ट हो गई, ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया। ये रहा इसका लुक। अभी मैं आपको इसका एक पीस कट करके दिखाती हूँ। अगर आप इसे थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे उसके बाद कट करेंगे तो इसका स्लाइस एकदम पिज़्ज़ा की तरह निकलेगा, लेकिन ये मैं गरम गरम ही कट कर रही हूँ, तो देखते हैं। रहा पास्ता पिज़्ज़ा का लुक, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। क्रिस्पी सा चीज़ी पास्ता इस तरह से बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर मेरी ये पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे औरों के साथ शेयर करिए। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हर मुसीबत, हर परेशानी और बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।